लड़की लड़कियों के सैंडल कभी चल रहे थे हवा, तो अभी सर हम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो कैसे करते हैं आप, करके दिखाइए थोड़ा हमारे को। ये एक्चुअली है डिजिटल इंटरमीडिएट DI, व्हिच इज कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एक्चुअली कलर मैनिपुलेट करते हैं। तो जब मैं पहले दिन आया था, मुझे इतनी खुशी हुई थी देख के कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पता हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अश्विनी जी ने बात को दिल से लगाया और तमाम स्टाफ। अगर फ्रेंकली पूछोगे तो मेरे को लगता है कि नॉर्थ इंडिया का बेस्ट स्टूडियो है। हमने बॉम्बे में बहुत सारा स्टूडियो देखे, बट ऐसा स्टूडियो बॉम्बे में भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ फॉली रूम। तो अगर मैं बात करूँ फॉली के बारे में, रूम के बारे में, तो इसके अंदर बेसिकली साउंड्स क्रिएट की जाती है। जैसे कि आप शूज़ की आवाज़ सुनते हैं, आप घुंघरुओं की आवाज़ सुनते हैं, तो वो भी रिकॉर्ड की जाती हैं। वो ऐसे ऑटोमेटिकली कहीं से उठाई नहीं जाती, तो वो बेसिकली प्रॉपर रिकॉर्ड की जाती हैं। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है, और इट्स वेरी न्यू, शायद आपने सभी ने किसी ने देखा भी नहीं होगा। तो चलिए आज ही हमें अंदर चलते हैं। ओके, सो अभी हम फिलहाल स्टूडियो के अंदर हैं। तो हमारे साथ जो है यहाँ पर इंजीनियर जो है सर संभालते हैं। सर, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, तो बेसिकली इस रूम के अंदर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही स्टूडियो में बेसिकली माइक जहाँ पर है वहाँ पे भी हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे किस किस टाइप के हम साउंड क्रिएट करते हैं, कुछ हमारे को आइडिया दीजिए हमारी ऑडियंस। सर, यहाँ बेसिकली फॉली होता है। ओके, फॉली इज लाइक आप चल रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, पानी का ग्लास रखा, उसकी आवाज़, चलने की आवाज़, कोई पानी पी रहा है, घोट की आवाज़, कुछ भी, जितनी भी आवाजें होती है, जितने भी फॉली साउंड्स, मूवी में डायलॉग्स के अलावा आवाजें होती हैं, राइट, एक्सक्लूडिंग डायलॉग्स, आपकी जितनी भी साउंड्स होंगी वो सब यहाँ क्रिएट होंगी। वाह, तो हम देख सकते हैं कुछ आवाजें कैसे क्रिएट होती हैं आज ही। बिल्कुल। चलो आ जाओ, मैं अभी अपनी ऑडियंस को दिखाता हूँ कि कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेज यहाँ पे क्रिएट की जाती है। सो यहाँ पर अभी हम फिलहाल चलते हैं अंदर स्टूडियो की तरफ। ओके, वाह, तो यहाँ पे आपको अलग अलग आवाज क्रिएट करने के लिए अलग अलग प्रॉप्स की जरूरत पड़ती है। वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक चम्मच से लेकर कैंची से लेकर ब्रश से लेकर झाड़ियाँ तक पड़ी। तो मैं समझ सकता हूँ कि आवाज़ क्रिएट करने का सबसे बड़ा टास्क यहीं पर होता है। एंड हियर वी कैन सी कि यहाँ पर कौन सी आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं सर हम अभी। अभी तो सर फुट स्टेप चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ, फुट स्टेप चल रहा है और मूवमेंट सब कर रहे हैं, क्योंकि फॉली में फुट स्टेप आता है, मूवमेंट आता है और प्रॉप्स आते हैं। ओके, सो आप ये अभी देखो, उन्होंने खुद स्लीपर्स पहन के खुद वॉइस रिकॉर्ड। लड़की लड़कियों के सैंडल कभी चल रहे थे हवा, तो अभी सर हम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो कैसे करते हैं आप, करके दिखाइए थोड़ा हमारे को। जैसे अभी कोई सीन अभी तो म्यूट किया हुआ है, जैसे हम ये चलेंगे लड़कियों के सैंडल, या तो नहीं तो फिर अभी हमारे पास ये सैंडल पड़ा हुआ है, ये लड़कियों का हील। वाओ, जैसे क्या बात है। तो ये चीज असलियत में बहुत ज्यादा नई है। लोगों ने गाने डब होते देखे होंगे, मूवीज डब होते देखी होंगी, पर ये चीज इज वेरी अनसीन, राइट? क्योंकि फॉली में जो भी रिकॉर्ड होता है ये नेचुरल और रियल साउंड होता है। कभी नहीं था कि ऑडियंस को पता भी नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ये सारी रियल साउंड होती है। इस चीज में बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ये फॉली होता है बीच का साउंड, ऊपर और नीचे, जैसे माता पिता जो होते हैं उनके बीच में अगर बच्चे नहीं रहे तो पिता अधूरे रहते हैं। अधूरा उसी प्रकार मूवियों में अगर फॉली साउंड नहीं हुआ जी तो मूवी अधूरा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। अगर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर अलग अलग चीजों के प्रॉप भी हैं, जैसे चाय छन्नी भी रखी हुई है, मतलब चाय जब छानते हैं उसकी भी आवाज हम लेंगे अगर किसी मूवी में कोई शॉट है, राइट? और कोई डिफिकल्ट सा शॉट हमें बताइए ना, कि कोई डिफिकल्ट सा कोई बर्तन भी है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। हाँ, सारा चीज यहाँ पे जितने कढ़ाई वगैरह ये तो देख ही रहे हैं, जैसे लेडियों के ये सब हम साउंड निकालते हैं, जैसे आप देख सकते हो तो हर चीज रखा हुआ है ये। अच्छा, ये भी रखा हुआ है, चूड़ियां ये। वाह, साउंड यहाँ पे बनाए जाते हैं एकदम नेचुरल साउंड। बहुत अच्छा लगा यार भाई आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु सेगर हुआ। हिमांशु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अभी हम चलते हैं आगे आप सभी को लेकर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखानी है, तो मैं आपको वो सारी चीजें रूबरू करवाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर अभी हम दिखाएंगे आपको कलरिंग जहाँ पर होती है, जो भी वीडियो बनती है, जो भी मूवी शूट होती है, उसके अंदर जो कलरिंग का काम होता है ना, वो इस जगह पर किया जाता है। इट्स अ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट प्लेस, आपको ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सारी चीज़ें कवर हो गई बट एक मेन चीज़ रह जाएगी। एंड यहाँ पर अभी कुछ प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर, कलरिंग हम कर रहे हैं, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ सर? वाओ, सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ सेटिंग के लिए सोफ़ाज भी हैं। सो बेसिकली शायद वो मूवी को मॉनिटर करने के लिए होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड बहुत अच्छा मुझे
मतलब सवाल कुछ पूछने ही पड़ेंगे। तो सर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि हम बेसिकली इस सेटअप में, स्टूडियो में हम क्या काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ आप कुछ प्रोजेक्ट पे ही अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि हम यहाँ पर कलरिंग कर रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। एक्चुअली ग्रेडिंग हो रही है, ये मूवी की ग्रेड हो रही है। ये एक्चुअली है डिजिटल इंटरमीडिएट DI, व्हिच इज कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एक्चुअली कलर मैनिपुलेट करते हैं हम, जो भी शूट ये है रिक्वायरमेंट ऑफ टोन as per the requirement of DOP sir. जी 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 जी। So अभी कुछ मूवी का काम चल रहा है एंड होप सो वो जल्दी हमें मूवी भी दिखे। इसके अंदर स्टारिंग आई थिंक सो मुकेश ऋषि जी भी हैं, राइट? जी। तो अभी वो भी शायद यहाँ पर स्टूडियो में ही हैं और उनसे भी मैं मिलवाऊंगा आपको, और उनसे भी एक जो है फीडबैक हम ज़रूर लेना चाहेंगे। बिकॉज क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ ही बताई जाती है। अगर उन्होंने यहाँ पर यू नो डबिंग भी की है और बहुत सारी चीज़ें उनकी मूवी की चल रही है, तो उनसे अभी हम पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके, सो मैं बचपन से हमारे यहाँ पर जिनको भी अब मिलवाने वाला हूँ शख्सियत से, उनको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, हमारे सर रिस्पेक्टेड मुकेश ऋषि जी। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा। आई हैव बीन योर फैन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली आई गॉट टू मीट यू, इट्स माई प्लेजर। एंड थैंक्स टू रबाब स्टूडियो ईशु भाई जिन्होंने मुझे मौका दिया। एंड सर मेरा एक छोटा सा सवाल था, यू आर हेयर लाइक आप पहले भी यहाँ पे शायद डबिंग वगैरह किया है, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद रबाब स्टूडियो? बहुत अच्छा। मैं जब पहली बार एंट्री किया था रबाब में, क्योंकि बॉम्बे के बहुत सारे स्टूडियो मैंने देखे हुए थे, तो जब मैं पहले दिन ही आया था मुझे इतनी खुशी हुई थी देख के कि इस तरह की चीज़ यहाँ पंजाब में बनी है। और इन्होंने इतना प्यार से इसे बनाया हुआ है कि आदमी को लगता ही नहीं हम काम ही नहीं मतलब काम करने आए, क्योंकि यहाँ इतनी जगह है, अगर कोई मिलने आ रहा है उसके लिए भी जगह है और कोई सर्विस चाहिए वो भी अवेलेबल है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये शायद बॉम्बे बहुत जगहों की तकलीफ है तो इतनी जगह नहीं है, लेकिन ये बहुत खूबसूरती। और सबसे अच्छी बात यह है कि अश्विनी जी ने रबाब को दिल से बनाया है और तमाम स्टाफ जो है वो बहुत हेल्पफुल है और बहुत चेयरफुल है। थैंक यू सो मच सर। सो अपकमिंग हम आपके कुछ प्रोजेक्ट्स लगता है शायद आने वाले, तो कुछ एक कोई प्रोजेक्ट रिवील करना चाहेंगे जो बिल्कुल रिसेंट आने वाला है? हाँ, एक तो अपनी यही फिल्म है निडर जो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी अभी, और दूसरी एक पंजाबी फिल्म है नानक नाम जहाज है। क्या वो फिल्म भी रेडी थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनको भी तकलीफ आई है, तो वो भी प्रोसेस में है कि मुझे लगता है कि शायद दोनों फिल्में एक साथ आगे पीछे रिलीज हों। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू बहुत है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पंजाब को भी और पूरी इंडस्ट्री को भी और गवर्नमेंट को भी जिन्होंने थिएटर्स खोल दिए हैं और पिछले कई हफ्तों से फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, और उनको भी शुभकामनाएं, और जो फिल्में रिलीज होने वाली हैं इस हफ्ते उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जैसे कि अभी आपको मुकेश सर से मिलवाया, साथ ही साथ जो उनकी मूवी आ रही है उनके डायरेक्टर साहब भी यहीं पर है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे भी पूछा जाए उनका एक्सपीरियंस कैसा है रबाब स्टूडियो के साथ। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। मैं आज स्पेशली रबाब स्टूडियो को कवर कर रहा हूँ, मैंने बहुत स्टूडियोज कवर करे हैं पंजाब के, मुझे ये था कि मैं बेस्ट चीज़ जो है जो बेस्ट इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट है उस चीज़ को कवर करूँ। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है रबाब स्टूडियो? अगर फ्रेंकली पूछोगे तो मेरे को लगता है कि नॉर्थ इंडिया का तो बेस्ट स्टूडियो है अभी तक। हमने बॉम्बे में बहुत सारे स्टूडियो देखे बट ऐसा स्टूडियो बॉम्बे में भी नहीं है। So this is one of the best I have worked in. Thank you so much sir and all the best for your movie. I hope so. मैं जल्दी थिएटरों में आपकी मूवी देखूंगा। और एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ कि हम जब आए थे यहाँ पे तो मेरी और मनदीप जी की बात हमेशा हो रही थी कि कितना काम हम यहाँ करेंगे। Yes. तो हमने मेरे ख्याल पहली विजिट में डिसाइड कर लिया कि हमारी फिल्म का सारा काम यहाँ सारा काम ऐसे थे कितना पूरा कंप्लीट पूरा पैकेज थे क्या, तो उतना हमें पसंद आया। Yes. और वैसे मैंने पहले भी कहा बहुत प्यार से काम किया हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सो अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ रबाब स्टूडियो के ऑनर से, हमारे आप कह सकते हैं रिस्पेक्टेड अश्विनी शर्मा जी से। और अभी मैं उनके ऑफिस में अंदर जाता हूँ, फिर उनसे कुछ बातें करनी है अबाउट द विज़न कि ये जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है उसके पीछे क्या विज़न था, वो जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सो अभी आपको मैं अंदर ऑफिस में लेकर चलता हूँ, और ना मैं हमारे जतिन भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑफिस के लिए एक बार 360 एंगल कैमरा ज़रूर घुमाइएगा, बिकॉज इट्स अ ड्रीम ऑफिस फॉर मी। एंड चलिए आप अंदर लेकर चलते हैं। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार सबसे पहले तो मैं कैमरा हमारे जतिन भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि 360 एंगल में एक बार कैमरा घुमा दे एंड
पहले सर बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैं आपको करना चाहूँगा कि इतना प्यारा ऑफिस, इतना प्यारा स्टूडियो आपने पंजाब को दिया. एंड इट्स अ यू नो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कवर करने के लिए. मैं बहुत टाइम से बात चल रही थी मेरी शिवाई से कि हम कवर करते हैं अपने चैनल पर, बिकॉज ये चीज़ ऐसी नॉर्थ इंडिया में भी नहीं है यार. आप समझ रहे हो ना, पंजाब तो मैंने फिर भी बहुत अलग चीज़ कह दी, पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको ऐसा स्टूडियो नहीं मिलेगा. सर हैव अ सीट, मेरे को कुछ आपसे ज़रूरी बातें करनी थी व्लॉग को एंड करने से पहले. तो मैं अगर बात करूँ रबाब स्टूडियोज़ के बारे में, आई नो रबाब स्टूडियोज़ कितने टाइम से जो है पंजाब इंडस्ट्री में यू नो वर्क कर रहा है, पंजाब इंडस्ट्री की सेवा कर रहा है मैं कह सकता हूँ. एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम 70 सेक्टर मोहाली, राइट, वहाँ पर हमारा स्टूडियो था. नाउ वी हैव शिफ्टेड टू न्यू यू नो इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली. सो इतना बड़ा स्टूडियो डॉल्बी नॉर्थ इंडिया में लाने के पीछे, हर एक चीज एक एक इन हाउस बनाने के पीछे क्या सोचती है, मैं जानना चाहूंगा. पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हो. थैंक यू सो मच. आपका वेलकम भी है. थैंक यू. थैंक यू. जो आपने पूछा है सवाल, वो 70 सेक्टर से पहले एक सात फेज में हमारा स्टूडियो था फोटोग्राफी का. हाँ, हाँ, हाँ. वहाँ से शुरू हुई थी, 12 अगस्त 2016 से हमारी ये जर्नी शुरू हुई है. तो उसके बाद पहले फोटोग्राफी का स्टूडियो था, फिर रिकॉर्डिंग का स्टूडियो, अब जाके जैसे आपने पूछा कि इसके पीछे क्या सोच है, है ना, तो वो है कि हम पंजाब की इंडस्ट्री के साथ इनको सारा काम जो बॉम्बे करवाने जाना पड़ता था, फिल्म का कोई भी काम है जी, जी, जैसे जी. पोस्ट में है ना, काफी कुछ हो गया, वीएफएक्स हो गया. हाँ, 16 डिपार्टमेंट होते हैं फिल्म में जी, और जी, सारे जी. इनको बॉम्बे जाने पड़ता था पहले. बिल्कुल. तो मैं मतलब ये सोच लेके चला था, मतलब पता नहीं परमात्मा की कृपा रही है, हमने बना भी दिया. बिल्कुल. बड़ा अच्छा, मतलब लोगों से रिस्पांस भी मिल रहा है और उनके पैसे भी बच रहे हैं. बिल्कुल. मैं अभी अभी बिल्कुल आपने देखोगे क्लिप में मुकेश जी से मिला था, एंड वो सर की तारीफ करे थे. एंड पंजाब इंडस्ट्री में जितने भी लोग इनको जानते हैं वो इनकी तारीफ भी करते हैं, एंड ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. मैं पर्सनली भी इनको जानता हूँ. तो मेरा आप सभी से सिर्फ यही मोटिव था इस वीडियो को दिखाने का, रबाब स्टूडियोज़ को वीडियो कवर करने का यही मोटिव था, बिकॉज इंडिया में देखो मुंबई साइड जो है पूरा ही इंडस्ट्री है, बट पंजाब इंडस्ट्री के पास कुछ ऐसा नहीं था. एंड राइट नाउ पंजाब इंडस्ट्री के पास आप कह सकते हैं मुंबई से भी ज़्यादा फैसिलिटी भी. आई एम अ प्राउड पर्सन कि मैं ये चीज़ बोल पा रहा हूँ कि मुंबई से ज़्यादा फैसिलिटी इस टाइम हमारे पास मोहाली में है. एंड ऑल थैंक्स टू अश्विनी जी एंड आपकी टीम एंड रबाब स्टूडियो. थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको कोई भी, अगर आपको लगता है आपने कुछ नबी डबिंग वगैरह करवाने हैं, तो बाकी डिटेल्स आप उनकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. एंड मेक श्योर कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुझे पता है रबाब स्टूडियो के कवर्स में भी आने वाले हैं. हाँ, जैसे अभी हमारे पास चल रहा है काम मूसा जट्ट, है ना, सिद्धू मूसे वाले की, मतलब वो अभी रिसेंट वही आएगी, इससे पहले मेरा पुत्र हुई थी. हाँ, जी, मतलब जी, अभी तो आने वाली बता रहे हैं, आने वाली बता, मतलब ताजी होती हैं. क्या बात है. तो मेरी मैं भी आपके माध्यम से अपने ऑडियंस को और जो आपकी ऑडियंस है उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, और मतलब मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो और आपको पता लगे कि फिल्मों के शूटिंग के बाद क्या क्या होता है, वो भी आपको देखना चाहिए यहाँ पे आके, ताकि आपको पता लगे. जस्ट लोगों को लगता है स्टूडियो है, बट इसके पीछे बहुत कुछ होता है. बहुत कुछ है. मैंने आज दिखाया कि एक मूवी को बनाने में सिर्फ कैमरा और डायरेक्टर की नहीं, बहुत बड़ी टीम का हाथ होता है. वो चीज़ आपने देखी रही है कि पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो मूवी की मेन प्रोडक्शन जितना ही मेहनत का काम है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. एंड थैंक यू सो मच. एंड आई होप आने वाले कुछ दिनों में मैं और भी कई नई चीज़ें रबाब स्टूडियोज में आती देखूँ, उसके बाद उसको भी वीडियो में कवर करूँ. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच.